हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल स्टडी विद अरिहंत। लेके आज तो मैं एक और वीडियो, ये वीडियो बहुत ज़रा मेन होने वाली है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैथ्स में जो आपका कोड होने वाला है 211 क्लास 10th वाले बच्चों के लिए, प्रैक्टिकल में कौन कौन से क्वेश्चन पूछने वाले हैं, उन पर एनालाइज करने वाले हैं, एक्सपेरिमेंट के साथ बताने वाला हूँ मैं कि ये क्वेश्चन आने वाले हैं। करना कि आपको पूरी डेट नहीं है, पूरी जैसे नोट्स एंड ऑल सम किन सब बताने वाला हूँ मैं, पूरी डेट ना। कोई डाउट्स एंड क्वेरीज या कमेंट करना, और अगर आप नए हो तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करो, पुराने सब्सक्राइबर जल्दी से वीडियो लाइक करो, शेयर करो और बने रहो ऐसे हमारे साथ। अब बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल, देखो ये चाहे ये बच्चे इंग्लिश मीडियम बच्चे हो या हिंदी मीडियम बच्चे हो, दोनों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा मेन है। प्रैक्टिकल में क्या पूछने वाली है आप मुझे बताओ। जब फाइल सबमिट करने आप जा रहे हो, एग्जामिनर बैठा हुआ है, फाइल आपकी अच्छी बड़ी चेक हो रही है, सडनली उनके दिमाग में ये जो हाईलाइट होता है वो क्वेश्चन दिमाग में कैप्चर होता है उनके, और वही क्वेश्चन क्या है वो आपसे पूछते हैं। मान लो एग्जाम्पल में दे रहा हूं आपको, टाइटल है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू ए बी क्यों होता है क्या नहीं है, पूरा एक्सपेरिमेंट करते हैं, आपने बताया है। हो सकता है आपका एक्सपेरिमेंट भी इसके बिहाफ पर हो। जिन बच्चों ने हमसे लिए बाय कराए, ठीक है, उनको तो पहला एक्सपेरिमेंट यही प्रोवाइड करा है, जिससे कि उनके बढ़िया से सब कुछ हो जाए, उनको डाउट्स ना हो। पहला पॉइंट बात कर रहे हैं, देखो आपसे ही पूछे रहा कि सबसे पहले पूछे रैंडमली, अच्छा ये बता मुझे ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है। आपने प्रूफ किया ना, आपने वेरीफाई किया, आप बताओ फॉर्मूला क्या होता है। वहीं पर आपको थोड़ा सा पढ़ के जाना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं इनको ये नहीं पता होता कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है हमारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। आपको मैं बोलूंगा कि टाइम बहुत कम बचा हुआ है, 5 से 6 दिन है, 5 से 6 दिन है हमारे पास, और इन 5 से 6 दिन में हर एक सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल्स अच्छे से मेमोराइज कर लो। अभी टाइम नहीं है थ्योरी पढ़ने का, थ्योरी की वीडियो देख रहे हो, थ्योरी पढ़ रहे हो, कोई फायदा नहीं है। आपका फोकस इस पर होना चाहिए, फोकस बस एक चीज पे होना चाहिए, प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल में जाओ और फोड़ के आ जाओ, नंबर अच्छे चाहिए, फुल आउट ऑफ फुल चेक करना क्या है, फाइल का फ्रंट पेज और फाइल का जो है आउटसाइड यानी ऊपर का हिस्सा जो है वो बहुत बढ़िया होना चाहिए, बढ़िया से डेकोरेट करो, 2 या 3 पेन परचेज करते हाईलाइट कर दो, जो पॉइंट्स आपको अच्छे से याद है ना उनको ज़्यादा हाईलाइट कर देना, पक्का श्योरिटी एग्जामिनर वही पूछने वाला है। अरे ये ट्रिक काम आएगी, इतना फिर बताना मुझे, जो पॉइंट्स मुझे पता है कि यार ये पॉइंट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे से आता है, तो इसको अच्छे से, अच्छा ये ऐसे हाईलाइट कर दो, इसे बढ़िया से हाईलाइट, इसे यहाँ भी ऐसे हाईलाइट कर दो, जिससे कि एग्जामिनर का सीधा सीधा क्या हो रहा है, फाइल चेक कर रहा, पत्रा सिक्योरिटी इस पर नजर आएगी, जैसे इस पर नजर आएगी वो आपसे पूछ रहा, और वहीं पर जो भी हमारी ऑडियंस है उसका आंसर देंगे। अब उसमें ऐसा क्या है, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर टू ए बी, और जितने भी फॉर्मूले आएंगे ना, जो भी आपके प्रैक्टिकल फॉर्मूले हैं उनको एक पेज पर ना लिख लेना पहले, और उनको पढ़ लेना। पत्रा सिक्योरिटी यार वो मैथ्स का प्रैक्टिकल चेक कर रहे हैं, तो मैथ्स का टीचर है, और मैथ्स का टीचर है तो फॉर्मूले पूछे ना, बिना फॉर्मूले पूछे रहने का, जिस तरह हमने मैथ्स में कंप्लीट कर रही है फॉर्मूले भी हाफ पर थी हमारी, सेम यहाँ भी ऐसी है, फॉर्मूले के बिना कुछ नहीं होने वाला, फॉर्मूले अच्छे से लिख लेना, थोड़ी सी मेहनत कर लो, एक दिन बैठ कर सारे जितने भी 10 एक्सपेरिमेंट आपने किए होंगे उन सब में जितने फॉर्मूले हो रहे हैं, फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं, सब लिख लो। ये सब तक है, सब बच्चों ने क्या किया ना, एक्सपेरिमेंट डिफरेंट बनाए हुए हैं, किसी और से परचेज करे हैं, खुद से बनाए हुए हैं, और बहुत से बच्चों ने क्या किया हमसे परचेज करे, तो हमारे एक्सपेरिमेंट हमें पता है, लेकिन बहुत से बच्चों ने क्या किसी और से परचेज करे हैं या खुद से बनाए हैं, तो वहां पर ना मैं आपको वो चीज़ नहीं प्रोवाइड कर सकता कि यार 10 फॉर्मूले दिए वो रट्टा मार लो, कि सबके एक्सपेरिमेंट क्या है डिफरेंट है, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, उस फाइल को उठाओ, पेज पलटो, और जहां पर फॉर्मूले हैं उनको एक पेज पर लिख लो, और पेज पर क्या है, अगर आपको सारे फॉर्मूले याद हो रहे तो उन्हें हाईलाइट कर लेना अच्छे से, डिफरेंट पेन से जो डिफरेंट कलर से आप उसे हाईलाइट करें ना, क्योंकि एग्जामिनर वही पूछने वाला आपसे। अब आपने क्या यूज करा, देखो कुछ ऐसे हो रहे डायग्राम्स जो होते हैं ना उनमें आप क्या यूज करते हैं वो बताया भाई इसमें, जैसे ये टाइटल ये था हमारा, और इसमें क्या है हमारा कार्डबोर्ड यूज होता है हमारा, व्हाइट चार्ट पेपर यूज किया हमने, तो ये सब चीजें जो यूज हुई ना वो सब बता रहे ना कि सर ऐसे बता देना कि ऐसे नॉर्मली बताओ कि हमने सर वाइट पेपर यूज़ किया था, कार्डबोर्ड लिया था, कटआउट करा हमने उसको, और हमने उससे बिहाफ पर यूज़ करते हुए बताया था हमने डिफरेंट कलर से जो सर हमने शेड किया हुआ है। एक बार ध्यान रखना, एक बार बहुत बड़ा मेन पॉइंट बोल रहा हूँ मैं आपको, अगर आपका
आपने शेड करा हुआ है पिंट से को पिंट का यूज करना, आपने शेड किया हुआ है येलो से येलो यूज करना, आपने शेड किया हुआ रेड से तो रेड यूज करना। यहां पर एग्जामिनर बहुत सारी चीज नोटिस करता है, आपने फाइल बनाई भी है और वहीं पर ही आपने क्या किया हुआ है यहां पर पिंट है और आपका डायग्राम बना हुआ किससे बना हुआ है येलो से या रेड से बना हुआ है, रेड से बना हुआ है और यहां पिंट है। सीधा पूछे आपसे कहां से कॉपी किया है बच्चों ये बताओ मुझे, सीधा वो ये बोलेगा। तो ऐसे क्या है थोड़ी सी अवेयरनेस रखनी है, बाकी और कुछ नहीं है। टेस्ट बहुत बढ़िया हो रहा है आपका, फाइबर जो हो रहा है बहुत बढ़िया हो रहा है। बस मैंने आपको ट्रिक बता दी, करना कि आपको सारे फॉर्मूले एक पेज पर लिख लेना और उनको अच्छे से हाईलाइट कर लेना जो आपको फॉर्मूले याद हो रहे हैं, और मेन जो पिक्चर्स होगी ना ड्राइंग्स जो होगी उनको लिख लेना कि आपने कौन कौन सा मटेरियल आपने यूज़ किया है, वो मटेरियल बता देना, बस तुम्हारा काम हो गया। मैथ्स में और कुछ नहीं है, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, पक्का श्योरिटी है। हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट से उन सबसे राय ली मैंने और पूरी तरह से नोट्स एंड ऑल सब कुछ प्रोवाइड किया। अगर आपको ये शीट चाहिए पूरी तरह से, करना कि आपको फ्री में टेलीग्राम ग्रुप आपको बना हुआ है उससे ज्वाइन कीजिए और वहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, बस ग्रुप ज्वाइन कर लो और वहीं पर ही आपको मिल जाएगा। बहुत से बच्चे ऐसे हैं वहाँ पर वीडियो पोस्ट नहीं पाते, मुझे आपका साथ चाहिए जिससे कि मैथ्स में ठीक उसी तरह हमारी ऑडियंस है, बच्चों के नंबर अच्छे आए तो और बच्चों के भी नंबर अच्छे आने चाहिए। करना है कि आपको ये वीडियो शेयर करना और उन बच्चों को वीडियो पहुँचाना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब करो और कौन सा सब्जेक्ट आप चाहते हैं प्रैक्टिकल का कमेंट बताइए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू हैव एनी डाउट सजेस्ट डाउन बिलो और डोंट फॉरगेट लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच, शब खैर।